हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे यार। और आज हम लोग खेल रहे हैं शैडो फाइट एरिना, और ये बहुत ही बेहतरीन गेम है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ भी सजेशन करना हो या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि कमेंट में ये भी लिख सकते हैं, अगर आप शैडो फाइट एरिना खेलते हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज है मेरा, उस पर आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे, और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यार मैं इसमें बता दूँ, अपडेट के रिलेटेड कुछ बात बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी इस अपडेट में सर्ज आ गया है इस गेम में, और पिछले अपडेट में होंगजू आ गया था। तो होंगजू और सर्ज के बाद उम्मीद है आने वाले टाइम में ऐसी बात पता चली है कि बोलो जू और ईटू आएंगे गेम में, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। ऑलरेडी हमारे पास मार्कस आ चुका है, तो मार्कस है ही और जून और ईटू भी आ जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। और एक मैच मुझे ऑलरेडी अभी रिसेंट में यूका मुझे अभी रिसेंट में मिली है, तो इसका एक मैच मैं सोच रहा था कि आपको इसका एक मैच दिखाऊं, इसका गेम प्ले दिखाऊं। तो एक मैच खेलते हैं, क्विक मैच खेलते हैं, है ना, क्विक मैच खेलते हैं। ओके, AI खेलते हैं। हार भी सकता हूँ क्योंकि यू का बहुत अच्छी कैरेक्टर है, तो मैं हार जाऊंगा तो ये मत करना कि आपको हार गया, ठीक है। और इसमें एक बेहतरीन मोड आया है फ्रेंड्स मोड का, तो ये भी मैं बताऊंगा कि कितना अच्छा कर रहा है वो है। तो पहले किसके साथ खेला गया, पहले खेलते हैं यूका से। ओके, ले हार गया, मैं हार गया। ओके, आयरन क्लैड उसका काफ़ी पावरफुल है। ओ माय गॉड, सीरियसली बिल्ली अटैक हुआ है। बहुत बढ़िया यूका, बहुत बढ़िया। ओह नहीं, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह माय गॉड, ओह शिट। फिर भी उसे काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया है यूका। आई थिंक यूका अगर अपग्रेड हो जाएगी तो काफ़ी अच्छी करेक्टर है। ओके, आयरन क्लैड वर्सेस आयरन क्लैड, देखो मैंने बोला था कि ये मैच थोड़ा सा मुश्किल है जीतने। ओके ओके, यू फॉलन पॉइंट, फॉलन पॉइंट। ओ नहीं नहीं नहीं, यूका नहीं करेगा। अरे यार, आ जा, खड़ा हो जा। ओबे, ओ भाई मैं हार गया, है ना, बहुत ही बुरा हारा मैं। सॉरी फॉर द हार्ड वर्क यार, अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
मार्कस मार्कस नहीं फायर गॉड जी, देखते हैं लिंक लिंक क्या कर सकता है, ये लिंक है, देखते हैं क्या कर सकता है फायर गॉड वर्सेस लिंक, देखते हैं। ओ अरे गॉड फायर गॉड कैरेक्टर आई थी तो उसने दो बार जीत लिया है मार्कस। अब मार्कस वर्सेस लिंक, मार्कस भी एक अच्छा कैरेक्टर है, एक रेयर नहीं एपिक कैरेक्टर है, तो ग्लिच देखते हैं क्या होता है। ओह शिट, पहले हेल्थ बढ़ाते हैं। बहुत सही, बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह शिट जीत गया, ओह बहुत बढ़िया, लिंक ने अकेले ही सबकी वॉट लगा दी भाई, अकेले बंदे ने वॉट लगा दी सबकी। ओहो ये गेम प्ले था यार, उम्मीद करता हूँ गेम प्ले आपको पसंद आया होगा यार। और दूसरी चीज़ ये कि जो है इसमें एक ऑलरेडी एक मोड आया हुआ है जो है फ्रेंड्स मोड, आप इसमें अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हैं। एक मिनट मैं देखना चाहूँगा इसे चैलेंज कर, चैलेंज योर फ्रेंड्स टू सी हुज टीम इज स्ट्रॉन्गर। ओके, और इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि इस चैलेंज मोड में अगर आप जब फाइट करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है, जब भी आप क्रिएट करना चाहेंगे तो इसमें आएगा इक्वल टर्म्स। तो इक्वल टर्म्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो दोस्त है या जो भी दोस्त का जो अकाउंट है वो आपके अकाउंट से लो है, उसके जो प्लेयर्स हैं वो पावरफुल नहीं है उसके पास जितने पावरफुल आपके कैरेक्टर्स हैं, तो ये इक्वल टर्म्स पे क्लिक करते ही आपके भी जो कैरेक्टर्स होंगे वो पावर थोड़े कम, उसके पावर और आपके दोस्त के कैरेक्टर्स के पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे, तो जो भी फाइट होगी वो इक्वल टर्म्स में होगी। तो इस तरीके से आप जो है फाइट को क्रिएट कर सकते हैं, इक्वल टर्म्स में क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे ये थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें प्लेयर्स की जो फ्रेंड की आईडी कैसे जाती है फ्रेंड्स के पास, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अच्छा ओके, तो इस तरीके से आप अपने अच्छा आईडी को शेयर कर सकते हैं, शेयर योर फाइट आईडी। देखिए यहाँ पर लिखा है 109, तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को और फ्रेंड के पास आपकी आईडी चली जाएगी। यहीं पे अगर दूसरी तरह अगर आप ज्वाइन करते हैं, जब आपका दोस्त ज्वाइन करता है तो यही आईडी आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी अपने फ्रेंड की, जो भी आप अपने फ्रेंड को आईडी बताएंगे। तो इस तरीके से जो है आप गेम साथ में खेल सकते हैं एक साथ इक्वल। तो मेनली एरिना इसीलिए बना ही था कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर ऑनलाइन बैटल के लिए, और ये अच्छी बात है कि ये मोड फाइनली आ गया है गेम में, तो ये बहुत ही अच्छा मोड है यार फ्रेंड्स के लिए और मज़ा आएगा खेलने में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक और अच्छी बात ये है कि मैंने बता दिया है कि कैरेक्टर्स कौन कौन से आने वाले हैं, और मेरी फेवरेट अगर आप पूछेंगे कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है इसमें, तो फर्स्ट पे मैं बोलूँगा लिंग है। लिंग इज़ आई थिंक एपिक
रेयर में, रेयर की बात करता हूँ मैं पहले, तो अगर मैं रेयर की बात करूँ तो सबसे बेस्ट जो है आपका लिंग है। लिंग इज़ द आई थिंक बेस्ट। आपने देखा है कि किस तरीके से लिंग ने अकेले 3 लोगों की वाट लगा दी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेयर में, तो आई थिंक रेयर में सबसे बेस्ट होने वाला है सर्ज आफ्टर लिंग। तो मेरे हिसाब से सर जाना, मुझे हेल्गा, मैं बताऊँ मुझे हेल्गा का गेम प्ले नहीं पसंद है। मे भी हो सकता है आपको हेल्गा पसंद हो, पर मुझे नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि सर्ज इज़ बेटर, तो सर्ज बेटर होगा क्योंकि मैंने इसका गेम प्ले ऑलरेडी देखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ एपिक की, तो अगर एपिक की बात करूँ, और यूका भी है, ओ नो ऑब्वियस यूका भी रेयर में अच्छी है। अगर मैं एपिक की बात करूं तो एपिक के लिए मुझे अब लगता है कीबो है। कीबो के बाद शायद मार्कस आ सकता है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने मार्कस के साथ भी खेला नहीं है। तो यही है यार वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, गेम प्ले अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय।